मूवी शुरू होती है तो हम एक कपल को देखते हैं। उस लड़की का नाम केट है और उसका बेबी होने वाला होता है। वो हॉस्पिटल जाती है लेकिन हॉस्पिटल जाकर वो हर जगह खून देखती है। जब उसका बेबी पैदा होता है तो वो डेड होता है। ये देखकर वो बहुत उदास हो जाती है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। वहां पर सब लोग बहुत अजीब लग रहे थे लेकिन अचानक से केट की आंख खुल जाती है क्योंकि ये सिर्फ एक ख्वाब था। वो बहुत परेशान हो जाती है और अपने वॉशरूम आ जाती है। असल में भी उनके साथ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने अपना थर्ड बेबी इसी वजह से खो दिया था। तो अब कीट को अपना बेबी बहुत याद आया करता था और वो उसे भूलने के लिए मेडिसिन भी लिया करती थी। वो इतनी परेशान रहने लगी थी कि वो बहुत मेंटली वीक होती जा रही थी। इस वजह से उस कपल की आपस में बहस भी होती रहती थी। कीट अपने इस दुख को भुलाने के लिए ड्रिंक भी किया करती थी लेकिन साथ ही साथ वो काउंसलिंग सेशन भी लिया करती थी क्योंकि वो खुद को ठीक करना चाहती थी। क्योंकि कीट के पहले भी दो बच्चे थे और वो चाहती थी कि वो उनके लिए अच्छी मॉम का रोल प्ले करे। उसकी छोटी सी बेटी होती है जो कि डेफ होती है और एक बेटा होता है। अपना थर्ड चाइल्ड होने के बाद वो उसे भुला नहीं पाई तो वो अपने हस्बैंड से कहती है कि हम उसकी जगह एक और बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं या बेबी ना भी सही कोई छोटी उम्र का बच्चा ही अडॉप्ट कर लेते हैं। उसका हस्बैंड उसकी बात मान लेता है और फिर एक दिन वो ऑर्फनेज होम जाते हैं। यानी उस जगह बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते थे जिनकी वो वहां पर एक बच्ची से मिलते हैं जिसका नाम एस्थर होता है। वो तकरीबन 9-10 साल की थी। वो दोनों उससे बातें करते हैं तो उनको ये बच्ची बहुत अच्छी लगती है। वो बच्ची बेन से हंस कर बात कर रही थी यानी वो बेन के साथ खुल मिल गई थी। वो दोनों खुश हो जाते हैं कि ये बच्ची अब इनके तीसरे बच्चे की कमी पूरी कर देगी। इस बच्ची को अपने साथ ले जाने के लिए वो ऑर्फेनेज होम की सिस्टर के पास जाते हैं। वो उनसे एस्थर के बारे में पूछते हैं कि ये कैसी बच्ची है। तो सिस्टर बताती है कि ये बच्ची बहुत समझदार है और उम्र से बड़ी बातें करती है। इसमें मैनर्स भी बहुत ज्यादा है और खुश अखलाक भी है यानी हंस के बात करती है। वो बताती है कि इसकी फैमिली एक एक्सीडेंट में मारी गई और ये बहुत मुश्किल से बची लेकिन इसने इस चीज को कभी फील नहीं किया। बेशक ये रशिया से है लेकिन इसको इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलनी आती है क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट है। अब वो कपल उसको अपने साथ घर ले आता है। कीट की छोटी बेटी एस्थर को देख के बहुत खुश होती है क्योंकि उसे अपनी बहन जो मिल गई थी। लेकिन कीट का बेटा जेलिस हो रहा था कि मेरे मॉम और डैड इसे क्यों ले आए हैं, अब वो मुझे वैसी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। वो एस्थर के साथ भी ठीक से बात नहीं कर रहा था। अब एक रात कीट और उसका हस्बैंड अपने रूम में होते हैं कि तभी एस्थर कीट की छोटी बेटी के साथ वहां पर आ जाती है और कहती है कि मॉम हमें डर लग रहा है, हमसे सोया नहीं जा रहा। तो कीट ने अपने पास बुला लेती है। एक दिन घर के पास फॉरेस्ट में कीट का बेटा एक गेम खेल रहा होता है। उसके पास एक शॉट गन थी और वो निशाने लेकर चीजें शॉट कर रहा था लेकिन इसी दौरान गलती से उससे कबूतर पर शूट हो जाता है। कबूतर पूरी तरह से जख्मी हो चुका था और वो नीचे गिर जाता है। वो बच्चा भाग कर उस कबूतर के पास जाता है लेकिन तभी एस्थर और वो छोटी बच्ची भी आ जाती है। एस्थर फौरन से एक पत्थर लाती है और उस बच्चे को देखकर कहती है कि इस कबूतर को फौरन से मार दो वरना ये ऐसे ही तड़पता रहेगा और इसे दर्द होती रहेगी। लेकिन कीट का बेटा कहता है कि सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं मार सकता। तो एस्थर कहती है कि हमें इसे मारना होगा और खुद ही पत्थर जोर से उस कबूतर पर मारती है जिससे उसका बहुत ब्लड निकलता है और वो मर जाता है। अब न जाने वो ब्रेव थी या सालिम, हम यहाँ पे कुछ नहीं जान पाते। अब अगला सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है। एक बच्ची एस्थर को स्कूल में बहुत तंग किया करती थी, वो उसे हर वक्त टॉर्चर किया करती थी। एस्थर बैठी होती है कि वो बच्ची उसके पास आती है और उसके गर्दन पर टच करती है लेकिन इस बार एस्थर बहुत ऊंची चिल्लाती है जिससे सब बच्चे डर जाते हैं और फिर वो स्कूल से घर आ जाती है। अब हम देखते हैं कि केट एस्थर से बहुत प्यार करने लग गई थी और उसका हर तरह से ख्याल रखती थी जैसे एक माँ अपनी बेटी का रखती है। वो एस्थर से कहती है कि क्या मैं तुम्हें अपने तीसरे बच्चे यानी बेटी की ग्रेव दिखाऊं। तो एस्थर उसके साथ चली जाती है लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचती है तो वो ग्रेव देखकर रोने लगती है। कीट को ये देखकर उसमें बहुत प्यार आता है और वो उसे हग कर लेती है यानी गले से लगा लेती है। इन दोनों में इतना गहरा प्यार हो गया था कि लग ही नहीं रहा था कि एस्थर को ऑर्फेनेज से लाया गया है। अब हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर कीट और उसका हस्बैंड एक साथ पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं लेकिन तभी वहां पर एस्थर आ जाती है लेकिन फिर वो वहां से चली जाती है। कीट उसके पीछे जाती है तो एस्थर कीट से कहती है कि आप परेशान ना हो, इजी रहे, मैं सब जानती हूँ। केट काफी हैरान होती है कि इतनी छोटी सी बच्ची इतनी सारी बातें कैसे कर लेती है। वो अपने हस्बैंड से इस बारे में डिस्कस करती है तो उसका हस्बैंड कहता है कि वो कौन सा हमारे साथ रहती थी और हमें क्या पता कि उसने क्या क्या सीखा हो। वैसे भी सिस्टर ने भी तो बताया था कि वो बातों को जल्दी पिक कर लेती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि केट का हस्बैंड अपने बच्चों को पार्क में लेकर जाता है, साथ एस्थर भी होती है। वो वहां पर खेल रहे होते हैं कि तभी हम उस
बच्ची को देखते हैं जो कि स्कूल में एस्थर को तंग किया करती थी। एस्थर उसे अजीब नजरों से घूरने लगती है तो वो बच्ची थोड़ा परेशान हो जाती है कि अब मैंने इसके साथ तो कुछ नहीं किया। लेकिन एस्थर उसे घूरने तक ही लिमिटेड नहीं रहती बल्कि उसे स्लाइड से धक्का दे देती है जिससे उस बच्ची को बहुत बुरी चोट आती है। रात को वो सब मिलकर डिनर कर रहे होते हैं तो केट का हस्बैंड उस बच्ची यानी एस्थर से पूछता है कि असल में हुआ क्या था। तो एस्थर कहती है कि डैडी हम तो सिर्फ खेल रहे थे, वो खुद स्लिप होकर गिरी। उसकी छोटी बेटी भी यही कहती है लेकिन केट का बेटा उसे बहुत अजीब तरह से देख रहा था क्योंकि उसे पता था कि झूठ बोल रही है। वो एस्थर से कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तो उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि इसे सॉरी कहो लेकिन वो बच्चा कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा और डिनर टेबल से उठकर चला जाता है। केट का हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है कि अब उनका बेटा बाहर नहीं खेलने जाएगा क्योंकि उसने एस्थर से बदतमीजी की होती है। लेकिन अब उन लोगों को भी एस्थर का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था। तभी ऑर्फिनेज हाउस से सिस्टर की भी कॉल आ जाती है तो केट उसे सब कुछ बताती है। सिस्टर उनके घर केट से मिलने आ जाती है। वो कहती है कि डियर आई एम सो सॉरी, मुझे आपको पहले बताना चाहिए था कि हम इस बच्ची एस्थर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे लेकिन हमने अक्सर नोट किया था कि ऑर्फिनेज हाउस में कुछ भी खराबी होती या अजीबोगरीब चीजें होती तो आसपास एस्थर जरूर होती थी और हमें भी अक्सर इसका बिहेवियर अजीब लगता था। मेरी गलती है, मुझे इसको आपके साथ भेजना ही नहीं चाहिए था। वो कहती है कि हो सकता है ये मेरा वहम भी हो लेकिन इतनी बार अजीबोगरीब चीजें होना और वो भी एस्थर के आसपास कोई कोइंसिडेंस नहीं है। केट एस्थर को लेकर काफी परेशान हो जाती है लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि सिस्टर कह रही है ना तुम क्यों परेशान होती हो, ये उनका वहम भी तो हो सकता है। लेकिन सिस्टर कहती है कि वो लोगों को अपने काबू में भी कर लेती है। एस्थर इनके सब बातें छुपकर सुन रही होती है। वो केट की छोटी बेटी के पास जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वो अपने साथ ट्री हाउस की कीज भी लेती है और गन भी रख लेती है। एस्थर तो जैसे इस इंतजार में थी कि कब सिस्टर उनके घर से निकले। जैसे ही वो अपने घर से निकल के गाड़ी में बैठती है तो एस्थर भी वहां पहुंच जाती है और उसके साथ केट की छोटी बेटी भी होती है। जैसे ही उनकी कार रोड पर आती है तो केट की छोटी बेटी को उनकी कार के आगे धक्का दे देती है। सिस्टर जब उसको देखती है तो अपनी गाड़ी की स्पीड आहिस्ता करने की कोशिश करती है लेकिन उनसे स्पीड आहिस्ता नहीं होती और गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है। वो जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरकर उस छोटी बच्ची को देखती है लेकिन तभी पीछे से एस्थर उन पर अटैक कर देती है। वो सिस्टर के सर पर हैमर से इतनी बार हिट करती है कि उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। ये सब कुछ एस्थर उस छोटी बच्ची के सामने कर रही थी, उसे ये भी ख्याल नहीं था कि इसके जहन पर क्या गुजरेगी। वो छोटी बच्ची यानी केट की बेटी बहुत डर जाती है लेकिन उसे समझाती है कि कुछ भी नहीं हुआ, हमें इसको मारना जरूरी था। वो उसे वहां से अपने साथ ले जाती है और फिर ट्री हाउस में जाती है। वहां जाकर वो अपनी बॉडी से खून साफ करती है कि किसी को ना पता चल सके कि उसने किसी का मर्डर किया है। जब वो दोनों ट्री हाउस से बाहर आ रही होती है तो केट का बेटा उन्हें देख लेता है। उसे तो पहले ही एस्थर पर शक था तो वो उस पर नजर रखता है लेकिन जैसे ही एस्थर उस तरफ देखती है तो वो छुप जाता है लेकिन एस्थर ने फिर भी उसको देख लिया था। रात को जब वो सो रहा होता है तो एस्थर एक पेपर कटर लेकर उसके पास जाती है। वो उसे बहुत डराती है कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। एस्थर की अजीब हरकतों को नोटिस करते हुए वो कपल उसे एक काउंसलर के पास लेकर जाता है लेकिन यहाँ भी एस्थर उस काउंसलर को बहुत ही चालाकी से अपनी बातों में ले लेती है। उसे इस तरह से अपनी बातों में काबू करती है कि उसे ये लगने लगता है कि केट ही बुरी है और केट एस्थर को वो राइट्स नहीं दे रही जो एक बच्चे के होने चाहिए। जब केट का हस्बैंड ये सुनता है तो वो अपनी बीवी से बहुत गुस्सा होता है कि तुम्हारा ही प्लान था, अब तुम क्यों नहीं हैंडल कर पा रही हो इसको। उन दोनों में फिर से लड़ाइयां शुरू होने लगती हैं। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो उन्हें ऑर्फिनेज से कॉल आती है जो बता रहे होते हैं कि सिस्टर अभी तक मिसिंग है। ये बात बाहर फैलती है तो पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन करती है और उन्हें उस सिस्टर की डेड बॉडी मिलती है। केट और उसका हस्बैंड काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिरी बार तो ये हमारे घर आई थी और फिर वापसी पर ऐसा क्या हुआ कि ये मारी ही गई। लेकिन वो कपल कहता है कि हम मिल के पता लगाएंगे कि एस्थर आई कहां से है। केट कहती है कि हम उस रशियन ऑर्फेनेज में पता करेंगे कि एस्थर नाम की लड़की कब आई। वो हर जगह से इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि रशिया के किसी भी ऑर्फेनेज में एस्थर नाम की कोई लड़की नहीं थी। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि केट किचन में काम कर रही होती है और तभी वहां पर एस्थर आती है। एस्थर के हाथ में कुछ फ्लावर्स थे जो कि वो केट को देती है। केट को ये
देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो फ्लावर्स उसकी छोटी बेटी के ग्रेव के थे। वो एस्थर से फ्लावर्स छीनने की कोशिश करती है और उसका बाजू जोर से पकड़ती है, लेकिन एस्थर भी उसे वो फ्लावर्स नहीं दे रही होती। तभी केट का हस्बैंड वहां पर आ जाता है और उन दोनों को रोकता है, लेकिन केट रोते रोते अपनी बेटी की ग्रेव पर चली जाती है और उसे रोककर बातें करने लगती है। अब अगले सीन में केट का हस्बैंड जब घर आता है तो एस्थर उससे कहती है कि मुझे केट ने बहुत मारा है, लेकिन असल में उसने खुद को ही हर्ट किया होता है। उसने खुद को ऐसी चोट दी थी कि जिससे लगे कि केट ने उसकी हड्डियां तोड़ दी हैं। केट के हस्बैंड को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने अपनी वाइफ को इतना सालिम नहीं समझा था। वो इस बात के बाद से अपनी वाइफ से और दूर जाने लगता है। केट को पहले ही सब कुछ बहुत अजीब लग रहा होता है और अपने हस्बैंड का ये बिहेवियर देख के वो ड्रिंक करने लगती है, जिसके लिए वो वाइन लेने एक स्टोर पर जाती है, लेकिन फिर भी वो ड्रिंक नहीं करती और सारी की सारी वाइन वेस्ट कर देती है। एक दिन केट अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही होती है। जब उसका बेटा स्कूल के अंदर एंटर हो रहा होता है तो उसके बैग से उसकी कुछ बुक्स गिर जाती हैं। केट उसकी बुक्स उसे लौटाने के लिए वहां पर जाती है, लेकिन पीछे से एस्थर वो गाड़ी स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो गाड़ी पीछे की तरफ जाने लगती है और उस गाड़ी में केट की छोटी बेटी भी थी। केट जब ये देखती है तो वो उस गाड़ी को रोकने की बहुत कोशिश करती है और आसपास के लोग भी, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाता। केट तभी पीछे पड़ी बर्फ में गाड़ी खुद ही जाकर रुक जाती है। केट भाग कर गाड़ी में से अपनी बेटी को निकालती है और उसे प्यार करने लगती है। वो इस बात के बाद से और भी ज्यादा डिप्रेस रहने लगी थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे खुश रहने नहीं दे रहा। लेकिन जब उसका हस्बैंड ये सब बातें नोटिस करता है तो उसकी काउंसलर को घर पर बुला लेता है। केट का हस्बैंड काउंसलर को बताता है कि ये रात को वाइन लेकर आई है, लेकिन केट उनको कहती है कि मैंने वाइन चखी तक नहीं है। केट की काउंसलर उसे कहती है कि आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर पर भेजा जाएगा, जहां पर आपसे वाइन छुड़वाई जाएगी और आप बिल्कुल ठीक होकर लौटेंगी, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता। अब हम देखते हैं कि केट का बेटा अपनी बहन के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पता है, तो वो छोटी बच्ची कुछ ड्रॉइंग्स बनाने लगती है, जिसे देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि एस्थर ने मर्डर भी किया है और क्या क्या गलत काम करती आ रही है। अब केट के बेटे को ये कन्फर्म हो चुका था कि एस्थर बुरी लड़की है। वो अपनी बहन से कहता है कि मैं ट्री हाउस तक जाऊंगा और कुछ प्रूफ इकट्ठे करूंगा, जिसकी वजह से हम एस्थर के फेस से पर्दा हटा सकते हैं। वो सोचता है कि मैं अपने पेरेंट्स को बता कर ही रहूंगा कि ये अच्छी नहीं। दूसरी तरफ केट एस्थर का रूम चेक कर रही होती है। वहां पर उसे एक बुक मिलती है जिसमें काफी ज्यादा फोटोग्राफ्स होती हैं और उसी बुक पर एक इंस्टीट्यूट का नाम भी लिखा होता है, जिस पर केट रिसर्च करती है। केट को बहुत तजस्सुस होता है और वो वहां पर कॉल करके पूछती है कि क्या ये ऑर्फेनेज है, तो आगे से एक लेडी बोलती है कि नहीं, ये तो एक मेंटल हॉस्पिटल है। तो केट को पता चलता है कि ये भी किसी मेंटल हॉस्पिटल से आई है। अब दूसरी तरफ हम केट के बेटे को देखते हैं जो कि ट्री हाउस में प्रूफ्स लेने गया था, लेकिन एस्थर भी किसी तरह वहां पर आ जाती है। वो सब के सब प्रूफ्स को आग लगा देती है, जिसकी वजह से पूरे ट्री हाउस में भी आग लग जाती है और उसकी वजह से केट का बेटा भी जख्मी हो जाता है। एस्थर उसे उसी ट्री हाउस में बंद करके खुद नीचे आ जाती है, लेकिन वो बेचारा अंदर ही रह जाता है। वो किसी न किसी तरह खिड़की खोल के बाहर आता है, लेकिन ट्री हाउस पर अभी भी आग लगी हुई थी और वो काफी जख्मी हो चुका था। वो वहां से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। केट ये सब कुछ अपने घर से देख रही थी और जब वो अपने बेटे को उसमें बेहोश होता देखती है तो वो भाग कर उसके पास आती है, लेकिन इसी दौरान एस्थर एक पत्थर उठाकर उस बच्चे पर मारने वाली होती है। लेकिन तभी उस बच्चे की छोटी बहन यानी केट की छोटी बेटी वहां पर आती है और एस्थर को मना कर देती है। इसी टाइम में केट भी वहां पर आ जाती है। वो अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाती है। अब वहां पर केट अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि ये सब एस्थर ने किया है, लेकिन वो कहता है कि वो तो बच्ची है, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उस बच्ची एस्थर ने उसको अपनी बातों में ऐसा मगन किया था कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अब हम देखते हैं कि एस्थर गुस्से में उस जगह पर जाती है जहां पर केट का बेटा होता है। वो वहां पर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन लकीली उसे बचा लिया जाता है। केट को जब ये पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जाती है एस्थर के पास और उसे सबके सामने जोरदार थप्पड़ मारती है। वो जानती थी कि ये एस्थर ने ही किया है, लेकिन डॉक्टर्स यहाँ पर केट को ही पागल समझते हैं और उसे एक इंजेक्शन दे देते हैं। केट का हस्बैंड वहां पर जाता है और एस्थर को अपने सीने से लगा लेता है क्योंकि वो यही समझ रहा था कि ये बच्ची बेकसूर है। अब हम देखते हैं कि केट हॉस्पिटल में ही होती है और उसका हस्बैंड अपनी छोटी बेटी और एस्थर को लेकर घर आ जाता है। घर आने के बाद वो वाइन पीने लगता है। तभी वहां पर एस्थर आती है। उसने बूढ़ों की तरह खुद को ड्रेस किया होता है, उसने काफी ज्यादा मेकअप किया हुआ था और वो आके केट के हस्बैंड के पास बैठ जाती है। लेकिन वो तो एस्थर को अपनी बेटी समझता
था, तो वो वहां से उठकर चला जाता है और एस्थर भी गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केट को उसी मेंटल हॉस्पिटल से कॉल आती है और वो बताते हैं कि एस्थर असल में है क्या, जिसको सुनकर केट शॉक्ड रह जाती है। उसे बताया जाता है कि एस्थर कोई छोटी बच्ची नहीं बल्कि 33 ईयर्स ओल्ड लड़की है। वो उसे बताते हैं कि उसे एक ऐसी बीमारी है जिसमें उसकी बॉडी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी 33 साल की औरत जितना है। उसने इस चीज का बदला लोगों से लिया और सारी जिंदगी एक बच्ची बनकर लोगों को फूल बनाया। वो उसे बताता है कि मेंटल हॉस्पिटल में सबसे डेंजरस पेशेंट के नाम से मशहूर थी, इसने बहुत सारे कत्ल किए। उसे ये भी बताता है कि आप लोगों से पहले जिस फैमिली ने इसे अडॉप्ट किया, इसने उसका भी कत्ल कर दिया। कॉल पर जो आदमी उनसे बात कर रहा होता है, वो केट से कहता है कि फौरन पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व किया जाए, वरना बहुत मुश्किल हो सकती है। दूसरी तरफ हम एस्थर को देखते हैं जो कि अपना मेकअप रिमूव कर रही होती है। उसके हाथ और गर्दन पर कुछ निशान थे जिन्हें छुपाने के लिए उन पर बैंड्स पहना करती थी। वो यहाँ पर वो बैंड्स भी उतार देती है और हमें वो यहाँ पर अपने असली रूप में दिखाई देती है। दूसरी तरफ केट के हस्बैंड को बुरा लग रहा होता है कि उसने बच्ची के साथ ऐसे बात की, हो सकता है कि उसे गलत लगा हो। वो उससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन जब उसके रूम में जाता है तो देखता है कि वहां पर काफी अजीबोगरीब पेंटिंग्स लगी हुई हैं। और तभी उसकी कॉल आती है। वो अपनी कॉल सुनने ही वाला होता है कि पीछे से वो बच्ची एस्थर यानी वो लड़की जो 33 साल की है उस पर अटैक कर देती है और वो वहीं पर मर जाता है। केट की छोटी बेटी भी वहां पर होती है और ये सब कुछ होता देख रही होती है। वो जाकर अपने रूम में छुप जाती है। दूसरी तरफ केट भी हॉस्पिटल से अपने घर जा रही होती है और साथ में पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देती है। केट जब घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड मरा हुआ है। वो उसके पास जाके बहुत रोती है और बहुत रिग्रेट फील करती है कि उसे सब पहले क्यों नहीं पता चला। अगर उसे एस्थर की सच्चाई के बारे में पहले इल्म हो जाता तो हो सकता वो अपने शौहर को बचा सकती थी। केट अपनी छोटी बेटी को ढूंढने के लिए पूरे घर में देखती है, लेकिन तभी एस्थर उस पर भी शूट कर देती है और वो जख्मी हो जाती है। दूसरी तरफ हम केट की छोटी बेटी को देखते हैं जो कि एस्थर से छुपने के लिए एक ग्रीन हाउस में छुप जाती है, लेकिन एस्थर भी उसे ढूंढ रही थी। उतनी ही देर में हम देखते हैं कि केट ग्रीन हाउस की छत पर आ जाती है और वो एस्थर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी और इसी दौरान वो उसका शीशा तोड़ती है और उस पर जंप लगा देती है। उसी वक्त पुलिस भी वहां पर आ जाती है। ग्रीन हाउस में एस्थर बेहोश हो चुकी थी और केट अपनी छोटी बेटी को उठाकर बाहर आ जाती है, लेकिन एस्थर फिर से होश में आ जाती है और बाहर आकर उन पर फिर से अटैक कर देती है। एस्थर उन लोगों पर काफी अटैक्स करती है, लेकिन तभी छोटी बच्ची एक गन उठाकर एस्थर को शूट कर देती है, लेकिन वो बुलेट एस्थर को लगने की बजाय फ्रीजिंग वाटर पर लग जाती है, यानी वहां पर जो आइस जमी हुई थी, और वो आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगती है। केट और एस्थर दोनों ही उस पानी में गिर जाते हैं। केट किसी न किसी तरह उस पानी से बाहर आ जाती है, लेकिन एस्थर उसे फिर से खींच लेती है, लेकिन केट उसके फेस पर जोर से हिट करके वापिस उसे पानी में फेंक देती है, जिससे उसे बहुत चोट आती है और वो वहीं पानी के अंदर बेहोश हो जाती है और जल्द ही वो वहीं मारी जाएगी। केट अपनी बेटी को उठाकर वहां से चल पड़ती है और इसी मोमेंट के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।